आदर अभिनंदन आभार नमस्कार आदाब सत श्री अकाल हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पीच राइटिंग. स्पीच राइटिंग आपको अपने एग्जाम्स में कैसे करनी है और स्पीच राइटिंग आपके जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसमें 10 मार्क्स कंटेन करती है. तो स्पीच राइटिंग किस प्रकार आपको करनी है और 10 में से 10 नंबर आपको पाने हैं. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो. बट बिफोर गोइंग अहेड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिकॉज विदाउट हिटिंग बेल आइकन यू कैन नॉट गेट नोटिफिकेशंस ऑफ आवर अपकमिंग अपलोड्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्पीच क्या होती है, देखो काफ़ी वीडियोज में स्पीच के ऊपर पहले भी डाल चुका हूँ, उनको भी जरूर देखें ताकि आपका माइंड एक कंसेप्ट क्रिएट कर सके कि अलग अलग टॉपिक पे के ऊपर कैसे स्पीच लिखी जाती है. स्पीच राइटिंग के लिए आपको स्टार्टिंग में एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, उसके मार्क्स होते हैं, उसको आप मिस नहीं कर सकते. जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम स्टेज पे जाते हैं तो हम बोलते हैं ना सबको गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी प्रिंसिपल सर टीचर्स माय डियर फ्रेंड्स ऐसे करके हम बोलते हैं राइट. तो ये सारी चीज़ आपको बोलनी होती है, आई एम दीपक धरा ऑफ क्लास 12 है और ये ऐसे करके. तो ये सारी बातें आपको बोलनी है. तो किस प्रकार आपको बोलनी है उसके लिए मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ. सबसे पहले क्या करना है, आपको फर्स्ट लाइन में लिखना है रिवियर्ड प्रिंसिपल टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स. इतना लिखने के बाद आपको एक लाइन स्किप करनी है, छोड़ देनी है. लेफ्ट साइड में ही नीचे की तरफ लिखोगे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, यानी गुड मॉर्निंग आप विश कर रहे हो. गुड मॉर्निंग विश करने के बाद आप फिर से एक लाइन छोड़ोगे और उसमें आप बताओगे अपने बारे में कि आई एम दीपक धर्रा ऑफ क्लास 12 है, कि मैं 12th क्लास ए का छात्र हूँ. इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी, मेरे लिए एक सम्मान की बात है टू डिलीवर अ स्पीच ऑन टॉपिक. टॉपिक क्या है हमारा, टीचर्स डे. कि टीचर्स डे के ऊपर मैं स्पीच दे रहा हूँ इसलिए मेरे लिए क्या है, सम्मान की बात है. टीचर्स डे की जगह टॉपिक कुछ और भी हो सकता है तो बस टॉपिक को चेंज कर देना, बाकी लाइन हमारी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी राइट. तो इतने कहने के बाद हमें अपना नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है, यानी हम मेन अब बात करेंगे टॉपिक के बारे में, टीचर्स डे के बारे में, इसके बारे में हम स्पीच दे रहे हैं. फर्स्टली आई वुड लाइक टू से दैट द टीचर्स आर लाइक दीपक. जो टीचर्स हमारे दीपक की तरह होते हैं, दीपक मीन टू से अर्थन लैम्प. अर्थन लैम्प क्या होता है, दिया, दीपक. Which burns itself to enlighten the world, जो अपने आप को जलाता है क्या करने के लिए, दुनिया को रोशनी देने के लिए. तो हमारे अध्यापक भी क्या होते हैं, एक दीपक की तरह होते हैं जो खुद को जलाते हैं दूसरों को रोशनी देने के लिए. Teachers have a great role in our life, जो टीचर्स हैं उनका एक ग्रेट रोल होता है, एक बहुत ही बड़ी अहम भूमिका होती है हमारी लाइफ में. बिकॉज दे आर शेपर्स ऑफ आर फ्यूचर, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर को शेप करने वाले लोग होते हैं, हमारे शेपर्स हैं. हमारे फ्यूचर को बनाने वाले कौन हैं, हमारे गुरु ही हैं, हमारे टीचर्स हैं. टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th September एवरी ईयर, हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है. 5th September इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे सेकंड प्रेजेंट रहे थे और इनके जन्मदिन के ऊपर ही हम क्या करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे को. हु वॉज द सेकंड प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि भारत के सेकंड प्रेजिडेंट थे. ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट स्कॉलर, वो एक बहुत ही बड़े विद्वान थे. स्कॉलर क्या होता है, विद्वान. एंड अ टीचर, और एक बहुत ही अच्छे क्या थे, टीचर भी थे. नेक्स्ट, वैन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिकेम प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जो प्रेसिडेंट बने थे हमारे भारत के, सम ऑफ हिज फॉर्मर स्टूडेंट्स, उनके जो कुछ छात्र थे, शोड देयर विश टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन 5th September. तो उन्होंने शो की, विश की इच्छा रखी. क्या इच्छा रखी, कि हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं 5 सितंबर को. बट ही सजेस्टेड दैट इंस्टीड ऑफ सेलिब्रेटिंग 5th September एज हिज बर्थडे, इट वुड बी अ प्राउड ऑफ प्रिविलेज If this day is celebrated as Teachers Day. उसने कहा अगर ये मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करने के बजाय अगर आप इसको सभी टीचर्स के लिए एक टीचर्स डे के रूप में आप सेलिब्रेट करोगे, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं उनका हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है. माँ बाप के अलावा टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है हमारी लाइफ के अंदर, क्योंकि जो हमारे गुरु होते हैं वही क्या होते हैं, हमारे पेरेंट्स के समान होते हैं. वो बात अलग है, आज के टाइम में गुरुओं की वो इज्जत हम नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी गुरु हमारे क्या होते हैं, शेपर्स होते हैं हमारी लाइफ के, फ्यूचर के. माँ बाप की तरह वो भी हमारी बहुत चिंता करते हैं और उन्हीं के बेस पे जो हम हैं आज वो किन की वजह से हैं, हमारे पेरेंट्स और उसके साथ साथ हमारे गुरुओं की वजह से. तो उन्होंने कहा कि टीचर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, ना कि मेरा बर्थडे राइट. सिंस द डे, उस दिन से ही 5th September इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे एवरी ईयर. और तब से ही, सिंस द डे यानी उसी दिन से, जो हर 5 सितंबर को जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे हमारे प्रेसिडेंट, उनके जन्मदिन के दिन टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाने लगा और उनके जन्मदिन के नाम पर, ठीक है, हर साल भारत के अंदर. दिस डे इज सेलिब्रेटेड बाय ऑल स्टूडेंट्स, जितने भी छात्र हैं सभी के द्वारा ये जो ये त्यौहार है ये मनाया जाता है इन इंडिया भारत के अंदर विद जॉय एंड एंथुसियाज्म. जॉय मतलब खुशी के साथ और एंथुसियाज्म मतलब उत्साह के साथ.
On this day, we get an opportunity to pay our gratitude towards our teachers. क्योंकि यही एक वो दिन होता है जिस दिन हम अपना आभार, gratitude का मतलब क्या होता है, आभार, हम अपना आभार व्यक्त करते हैं अपने गुरुओं के प्रति. गुरु हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, पीट कर हर तरीके से हमें पढ़ाते हैं, अपनी दिन रात अपनी मेहनत लगाते हैं, और उनको आभार व्यक्त करने का हमारे पास एक अच्छा मौका होता है. क्या टीचर्स डे को हम क्या करते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड, अपना आभार पे करते हैं, राइट. आगे देखिए, टीचर्स प्ले अ वाइटल रोल इन चोकिंग आउट द करेक्टर ऑफ स्टूडेंट्स. बच्चों का करेक्टर, करेक्टर मतलब चरित्र, एक चरित्र बनाने में अध्यापक क्या करते हैं, एक बहुत अच्छा रोल निभाते हैं, ठीक है ना. वाइटल रोल मतलब क्या होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना, वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल. चोकिंग आउट, यहाँ पे चोकिंग आउट अगर आपको मुश्किल लगना है, चोकिंग आउट का मतलब क्या होता है, किस चीज़ का बनाना, किस चीज़ को रेखाचित्र रेडी करना, उस चीज़ को प्रिपेयर करना. तो चोक आउट करते हैं क्या, हमारा कैरेक्टर, हमारा फ्यूचर भी चोक आउट करते हैं, राइट. टीचर्स प्ले अ वाइटल रोल इन चोकिंग आउट द कैरेक्टर एंड द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स. छात्रों का चरित्र और उनका जो फ्यूचर है उसको चोक आउट करते हैं कौन, हमारे गुरुजन, एंड देयर फ्यूचर और उनके फ्यूचर को भी. दे गिव अस हैंड होल्डिंग सपोर्ट लाइफ लॉन्ग. हमारे जो गुरु होते हैं हम एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं, यानी हमारे हाथ पकड़कर हमें क्या करते हैं, मंजिल तक लेकर जाते हैं, एंड हेल्प अस टू अचीव आर गोल्स, और हमारी मदद करते हैं अपने जिंदगी के गोल्स को पाने में, गोल मतलब लक्ष्य को पाने में. दे केयर अस लाइक पेरेंट्स, वो हमारी केयर करते हैं, चिंता करते हैं, पेरेंट्स, पेरेंट्स की तरह, माँ बाप की तरह, फ्रेंड्स, दोस्तों की तरह, ब्रदर्स, भाइयों की तरह, एंड सिस्टर, और बहनों की तरह. यानी हर प्रकार का रोल एक गुरु हमारी लाइफ में निभाता है. भाई बहन, माता पिता, दोस्त, हर प्रकार का रोल हमारे साथ निभाकर क्या करते हैं, हमें हमारे गोल्स तक, हमारे लक्ष्य तक लेकर जाते हैं. दे प्रिपेयर अस, हमें तैयार करते हैं फॉर द चैलेंजेस इन लाइफ. लाइफ में जो चैलेंजेस होते हैं उनके लिए भी क्या करते हैं, वो हमें प्रिपेयर करते हैं. टीचर्स आर अनडाउटेडली द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी. जो टीचर्स हैं बिना शक के एक सोसाइटी की क्या होते हैं, बैकबोन होते हैं. बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी होते हैं, पूरी सोसाइटी, हमारा समाज गुरुओं के ऊपर टिका होता है. इन द एंड, अंत में, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द टीचर्स. अंत में मैं सभी अपने गुरुजनों को क्या करना चाहूँगा, टीचर्स को क्या करना चाहूँगा, थैंक करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा. एंड आई वुड लाइक टू पे माई ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स माई टीचर्स बिकॉज दे आर द शेपर्स ऑफ माई लाइफ, एंड उन्हीं की वजह से आज मैं भी आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ. उन्होंने ही मुझे इतना काबिल बनाया है, उन गुरुओं ने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं आज आपको भी सिखाने के लायक हूँ. हु मेड द कैपेबल टू फेस द वर्ल्ड. जिन्होंने क्या किया है, हु मेड मी कैपेबल टू फेस द वर्ल्ड. इस दुनिया को फेस करने के कैपेबल बनाया है किसने, मेरे गुरुओं ने. एंड गेव मी नॉलेज, और क्या किया उन्होंने, मुझे नॉलेज प्रदान की है विद फुल डेडिकेशन, पूरी दृढ़ता के साथ. और लास्ट में हम क्या बोलेंगे, थैंक यू सो मच, या फिर थैंक यू, यानी हमने स्पीच अपनी ख़त्म कर दी है. तो ये था हमारा स्पीच राइटिंग किसके ऊपर, टीचर्स डे के ऊपर, कि टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और कैसे मनाया जाता है, राइट. और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई है. अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर आप किसी अन्य टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, सो दैट मैं उसके लिए वीडियो बनाऊं और आपकी मदद कर सकूं. तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आई है, और समझ में आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार.